तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज मेरा था वीकेंड गुड़गांव में, मतलब ऑफिस का ऑफ था। तो आज मैंने मंगाया एक बर्गर किंग से बर्गर। सोचा यार, लेटा हुआ था, सोचा कुछ यूनिक बाहर का ट्राई करता हूँ। तो एक बर्गर किंग का कॉम्बो दिख गया था। तो सबसे पहले इसके बाहर का थैला देखता हूँ, इन्होंने कहीं पर भी बर्गर किंग मैंशन नहीं कर रखा। प्लेन पैकेजिंग है। थोड़ा बहुत यार बर्गर किंग वगैरह मैंशन हो तो उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, मुझे क्या है। और देखो ये मुझे कॉम्बो पड़ा है, इसमें कॉम्बो में देखो तीन चार चीज़ें हैं। मिड फ्राई मतलब फ्रेंच फ्राइज हो गए वो, पेप्सी एक मीडियम वाली, और एक चोकोलावा केक, और साथ में इनका बर्गर जिसे हम ये बोलते हैं महाराजा बर्गर करके कुछ बोलते हैं, मतलब वेज रैप डिशन का। ये सबसे जूनियर विंग बर्गर, मतलब इसमें प्रीमियम लिखा था, तो मैंने कहा सोचो यही टेस्ट किया जाए। अब पैकेजिंग देखते हैं। तो भाई पैकेजिंग में ऐसा कुछ निकलता है, ये बर्गर किंग इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, खाली। और भाई स्पॉन्सर नहीं है ये, बिल पेड है पूरा। बिल पेड भी देखो यूपीआई से पेमेंट है, नीचे लिखा हुआ यूपीआई पेमेंट, ठीक है। तो भाई बिल पेड है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी भाई मुझ पर स्टैंड नहीं है, तो मैं एक हाथ से अनबॉक्सिंग करूँगा। फाड़ने का तरीका गलत लगे तो सॉरी, बिकॉज एक हाथ से ही फाड़ रहा हूँ। सो भाई थैले की तो, ये तो थैले पे तो इन्होंने लिखा हुआ है बर्गर किंग वगैरह, ओके है। अब सबसे पहले आता है ये बॉक्स। क्या बात है भाई, वाओ क्या बात है। कॉफ़ी टी एंड मी, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ दी है इन्होंने साथ में। और बीके कैफे बाय बर्गर किंग, ये आई थिंक हॉट है तो मतलब गर्म सा है, तो ये चॉकलेट केक लग रहा है मुझे, खोल के देखते हैं बाद में। अब एक ये, अच्छा ये फ्रेंच फ्राइज बर्गर किंग की, ठीक है यार ये भी अपनी जगह अच्छी है। बढ़िया पैकिंग नहीं है भाई यार, पैकेजिंग ने सच में दिल जीत लिया ना। बाहर से तो कुछ नहीं लग रहा था, अंदर से मतलब जब खोला तो बहुत अच्छा है। अब आया फाइनल हमारा महाराजा विंग्स बर्गर। चलो अब सबको साइड करते हैं और देखते हैं अंदर कुछ और है। अंदर इन्होंने ये सब चीज़ कुछ दी है, ओके। कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ, सॉसेस और एक टिश्यू एंड एक चम्मच, और अंदर कुछ है सॉसेस के, काफ़ी सारे पैकेट दिए हैं आप। हाँ फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी, और देखो 6 पैकेट सॉसेस के दिए हैं। चलो सब कुछ साइड करते हैं, अब इनबॉक्सिंग करते हैं सारे बॉक्सेस की, ठीक है। तो गाइस ये है हमारी प्लेट अब, और अब हम इसे करने जा रहे हैं अनबॉक्स। सो सबसे पहले क्या करें, क्या अनबॉक्स करें, सबसे पहले लेते हैं फोटो, थंबनेल भी तो बनाना है। फाइनली आई प्लेट, और ये हमने सजा के रखा था थंबनेल के लिए, थंबनेल के लिए सजाया था। अब फाइनली सबसे पहले ओपन करते हैं अपना फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। यहीं से अपना, हाँ टेप लगी है, सॉरी भाई गलत तरीके से ओपन हो गया, लेकिन हो गया। इसे फाइनली ओपन करते हैं 2 मिनट। तो भाई ये आ गई हमारी चीज़, सॉरी फ्रेंच फ्राइज। अब सबसे बड़ा बॉक्स ये ओपन करते हैं, ठीक है यार। ये बॉक्स बहुत प्यारा लगा लिटरली, इसको ओपन करते हैं। टेप काट लिया हमने, ठीक है। वो ये हमारी पेप्सी, वो वाह, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ग्रेट पेप्सी स्टैंड। तो भाई इसे भी रखते हैं फाइनली यहाँ पे। अब ये ओपन करते हैं चोकोलावा केक। तो भाई देखो ये है हमारा चोकोलावा केक, जहाँ तक मुझे लगता है। और यार ये एसी में बड़ा था तो ठंडा हो गया काफ़ी, नहीं तो गर्म होता है। ये है चोकोलावा केक, ठंडा हो गया काफ़ी, गर्म होता है यहाँ से। और ये फाइनली अब हमारा बर्गर, जिसकी हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। सो भाई चलो इसे रैप ओपन करते हैं, ठीक है। दोनों से ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो भाई कुछ इस तरीके से है ये बर्गर, इसमें चीज़ पैटी क्रीम हो सकता है ट्रैवलिंग के वक्त ख़राब हो गया, लेकिन चलो ठीक है अभी सॉस डाल के ट्राई करते हैं, सॉस ओपन करते हैं। सो भाई सॉस डाले इस पर, अब ट्राई करते हैं इस पर ना। सो भाई लिटरली बोलूँ ठंडा हो गया है या क्यों, जो डिशेज का नाम था ना उतना टेस्ट आया नहीं, बट ओके है, एक बाइट और लेके देखते हैं। ओके यार, मुझे देखो मुझे मसालेदार होना चाहिए ना वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फीका फीका सा है। नहीं हुई, 5 में से मैक्स टू मैक्स 3 3 भी नहीं है, 2.5 ही दूंगा। बाकी फ्रेंच फ्राई टेस्ट करते हैं। यह नॉर्मल है, चॉकलेट का केक देखते हैं कैसा, मे भी अच्छा हो। ये अच्छा है। चलो गाइस फाइनली पूरे ऑल ओवर फूड को रेटिंग दूँ तो ठीक है 2.5 ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खाने के साथ।